गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। एंड यस गाइस, दिस इज टेक्निकली पार्ट 3 ऑफ दिस डॉल हाउस। मतलब देखने में तो लग रहा है बड़ा सिंपल आसान सा डॉल हाउस है, बट इसको बनाते बनाते 3 वीडियो जा चुकी है। कितने मेरे हफ्ते गए हैं, कितने दिन गए हैं, कितने आज गए हैं, उसके बारे में तो आप पूछो मत। बट एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच पहले की 2 वीडियोस को इतना सारा प्यार देने के लिए। आज टेक्निकली हमें इस घर के अंदर फर्नीचर भरना होगा, खरीद के नहीं लाना है, हमें पेंट करके भरना है। देख लो इस कबाड़ को, इट्स गोना बी सुपर डुपर फन। आप लोगों को पता है मुझे छोटी छोटी क्यूट क्यूट चीजें बनाने का कितना ज्यादा शौक है, तो आज वो सारे शौक मैं इसी डॉल हाउस में पूरे करने वाली हूँ। मैं ना सोच भी नहीं सकती कि मुझे कितना टाइम लगने वाला है उसमें। बट एनीवे, कंप्लीट तो हमें करना ही है क्योंकि बहुत हो चुका है अब। सो ये है हमारा सारा का सारा फर्नीचर जिसमें अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि टेबल, चेयर, बेड, टेबल, लैम्प, टेबल, सोफा, चेयर एंड पता नहीं क्या क्या। सो अल्टीमेटली वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टुडे। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सोफा एंड बेड के लिए हूँ। सबसे पहला स्टेप आपको पता है हम जैसो को लगाएंगे। एंड यार, काफी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बोला दीदी आपका जैसो तो खत्म ही नहीं हो रहा। सच में मुझे भी ऐसा लग रहा है यार, ये जैसो मतलब कितना ज्यादा चलता जा रहा है। 2 साल आने को आए हैं एंड तब भी ये खत्म नहीं हो रहा है। इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। हाँ सही में, बिकॉज यार ये खत्म नहीं हो रहा है। एनीवे गाइस, अच्छी बात है हमारे तो पैसे बच रहे हैं, तो इट्स ऑल गुड। मैं धीरे धीरे करके एक एक पीस जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था थोड़ी ही देर पहले, उन सब पे जैसो की एक परत चढ़ाने लग जाऊंगी। एंड ये प्रोसेस काफी ज्यादा बोरिंग है, काफी ज्यादा मतलब हद से भी ज्यादा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बस पोता पोती करो एंड यू आर डन। मेहनत तो मतलब लग रही है बट दिमाग नहीं लग रहा। अब जल्दी से स्लो प्रोसेस को फास्ट ट्रैक करते हैं। ओके, सो देख रहे यार, मैंने ऑलमोस्ट नहीं सारी सामग्री को पेंट कर दिया है। पेंट मतलब जैसो से नहला दिया है। एंड अब फाइनली हमारा मेन काम शुरू हो जाएगा, विच इज एक्रेलिक पेंट्स के साथ धमाल। सो इफ यू नोटिस हियर, मैं यहाँ पे फर्नीचर का बेस रख रही हूँ व्हाइट एंड उसके ऊपर ये लाइंस बना रही हूँ टू शो दैट वुडन इफेक्ट। एंड यस, ये वुडन फर्नीचर ही बना रही हूँ मैं। एनीवे गाइस, मूविंग ऑन विद दिस, मैं पूरे बेड को कम्प्लीट करने के बाद आगे बढ़ूंगी। एंड आई जस्ट वांट टू से यू दैट ये मत सोचना कि बेड ऐसे ही पड़ा रहेगा, ऑफ कोर्स इसके ऊपर बेडशीट्स वगैरह हम बनाने वाले हैं। एंड देन अब मैं कंसंट्रेट कर रही हूं बेड के साइड टेबल्स पे। एंड ऑफ कोर्स अगर वो साइड टेबल है तो कलर का आइडिया सिमिलर लाइंस पे ही होगा। व्हाइट एक्रेलिक कलर के बाद ग्रे कलर की धारियां बना रही हूं एंड आई थिंक दिस गोना लुक सुपर प्रिटी। अगर मैं पूरा ब्राउन कलर का बनाती तो विजुअली बहुत ज्यादा हैवी लगता। एंड आई डोंट नो, पता नहीं मुझे व्हाइट क्रीम कलर की आजकल फर्नीचर बहुत ज्यादा प्रिटी लगने लग गए हैं। आई लव इट। ओके, सो डाइनिंग टेबल के लिए मेरा आइडिया ये कि मैं ऊपर का जो टॉप है वो व्हाइट कलर का रखूं, बट उसका बेस मैं क्रीम कलर का रखूं, थोड़ा वुडन कलर का रखूं एंड आई थिंक दैट कॉम्बिनेशन विल लुक रियली प्रिटी। सो ऑफ कोर्स डॉल हाउस है तो यार सब कुछ क्यूट क्यूट ही होना चाहिए, मैं कुछ भयानक नहीं बना सकती। एनीवे गाइस, इस पे मैं वुडन टेक्सचर फटाफट कंप्लीट करूंगी एंड आई लव इट, लुक्स मन कर रहा है खुद छोटी होके इसी टेबल के साइड में बैठ के इसी पे खाना खाओ। आपका मन कर रहा है कि नहीं, आप भी कमेंट करके बता दो। और ये लो, हो गया हमारा सेंटर टेबल भी रेडी। लव इट। बाय द वे यार, अभी काफी चीजें बची हुई है जैसे कि सोफा, लैंप, चेयर्स, पता नहीं क्या क्या। सो इस प्रोसेस को जल्दी से फास्ट ट्रैक करते हैं। ज़्यादा क्यूट, लव 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 इट। एनीवे गाइस, सो आपने देख लिया डाइनिंग टेबल की चेयर्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इन चेयर्स को कंप्लीट करने के लिए मैं वापस से पिंक कलर यूज कर रही हूँ। आई नो मैन, आजकल की पेंटिंग में कुछ ज्यादा ही पिंक कर रही हूँ, बट आई थिंक वापस से मेरा फेवरेट कलर अब पिंक हो चुका है एंड आई एम लिटरली ऑब्सेस्ड। Bro, finally the time has come to paint on this sunehra sofa, because yaar is sofa ka set pura complete aaya hi nahi, sirf ye ek hi piece tha and I was like okay man, kaam chala lenge, hamari doll ko koi problem nahi honi chahiye।
दोस्तों सुनो, इसको बोलते हैं मार्बल इफेक्ट। तो मैं सोच रही थी यार, हर चीज इतनी बेसिक क्यों करूं, मार्बल भी थोड़ा डाल देती हूँ जिससे मेरी डॉल मुझसे और भी ज्यादा खुश हो जाए। नाउ मूविंग ऑन टू आवर टू लैम्प्स। तो हमारे सेट में आए थे दो लैम्प्स। अब मैं दोनों लैम्प्स को सेम कलर ही करी, बिकॉज यार क्या ही कर लूंगी अब मैं इसमें, इतना छोटा सा तो है। तो जल्दी से मैं उस पे भी कलर्स एड करके कम्प्लीट करूंगी। एंड वंस दैट इज डन, आई एम लिटरली डन विद एवरीथिंग। मतलब ये मोटे मोटे पीसेस तो मैंने कम्प्लीट कर लिए, बट मैं छोटी छोटी बुक्स वगैरह सब कुछ बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। एनीवे गाइस, इन पीसेस को हम डायरेक्टली ऐसे नहीं यूज करने बैठेंगे। सबसे पहले वार्निश का मैं कोट लगाऊंगी जिससे कि एक्रेलिक कलर निकले ना यार, क्योंकि निकल गया ना तो समझ लो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा हमारी डॉल हाउस का। सो जल्दी से मैं एक एक पीस पे वार्निश को हर एक एक कोने पे लगाऊंगी। इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डरना नहीं है हमको, क्योंकि बॉब द बिल्डर करके दिखाएंगे। आई थिंक हम बॉब द बिल्डर की टीम बन चुके हैं गाइस, हम घर के साथ साथ फर्नीचर का भी काम करने लग गया। ये क्या है? ओके गाइस, सो जैसा कि आपको पता है हमने मोटे मोटे फर्नीचर पीसेस तो बना दिए, नाउ इट्स टाइम छोटे छोटे एलिमेंट्स बनाने का। सो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ आज वाटर कलर्स, एंड इन्हीं वाटर कलर्स से मैं ननी ननी डिटेल्स ऐड करने वाली हूँ। यार हमारी डॉल की ये बुक मेरे नाखून से भी छोटी है, सो मैं सोच रही हूँ कुछ बुक्स मैगजीन क्रिएट करने का, क्योंकि ऑफकोर्स यार हमारी डॉल बोर हो जाएगी ना, ना टीवी ना लैपटॉप ना कुछ ना कुछ, तो इट्स बेटर टू हैव समथिंग फॉर आवर डॉल। एनीवे तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं छोटी छोटी ननी नई चीजें बना रही हूँ, एंड इनको बनाने में जो मजा आ रहा है ना वो तो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। डुपर क्यूट। एनीवे गाइस, अब मैं मम्मा का पुराना फटा हुआ सूट लेके सोच रही हूँ इसी की बेडशीट बना दूं, तो चलो अब इसको भी जल्दी से कंप्लीट करते हैं। एंड हाँ, पिंक रूम की पिंक थीम को मैं कंटिन्यू करके ये भी पिंक ही यूज कर रही हूँ, प्योर पिंक ऑब्सेशन, एंड दिस इज लुकिंग सुपर डुपर क्यूट। एनीवे गाइस, अब थोड़ी फ्लफी चीजें बनाने के लिए यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ सुपर क्ले, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। गाइस, सो फाइनली आप देख सकते हो हमारी टाइनी टाइनी क्यूट क्यूट चीजें कंप्लीट हो चुकी है। नाउ इट्स टाइम कि हम इसे फाइनली सजा पाए अपने डॉल हाउस के अंदर। एंड मैं बता नहीं सकती इसको बनाने में मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है, जो हैप्पीनेस मिली है, लाइफ में नहीं मिली होगी। मैं मजाक नहीं करी कि बचपन से मेरा सपना था एक डॉल हाउस होने का। एक बार इस सेटअप को देखो, दिस इज सो टाइनी। मैंने यहाँ पे मैट्स भी बना दिए, मैंने यहाँ पे लैम्प भी छोटा सा ऐड कर दिया, दो चेयर्स जो कि सुपर क्यूट है वो भी ऐड कर दिया है, एंड साथ ही में ये बेड देखो, क्यूट लग रहा है ये। मेरा लिटरली मन कर रहा है मैं छोटी हो जाऊं साइज में, इसी घर के अंदर घुस के यहीं पे रहूं। एंड अगर आप नोटिस करोगे मैंने साइड टेबल्स में भी ननी ननी डिटेल्स ऐड करी हुई है, फोन ऐड किया हुआ है, मैगजीन्स ऐड करी हुई है। देखो कॉटन पैड जो कि मेकअप रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, बट इसको मैं यूज करने वाली हूँ मैट की तरह। यार मैं बता नहीं सकती मुझे इस पूरे प्रोसेस में कितना ज्यादा मजा आया, मतलब मैं जितना बोलूं उतना कम है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी हाउस का मिनी डॉल वर्जन बनाऊं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड देन कम्स माय डाइनिंग एरिया गाइस। This was it for today's video. Do let me know in the comment section below आपको आज की वीडियो कैसी लगी। And जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप चाहते हो तो मैं इसी डॉल हाउस के लिए एक मिनी डॉल भी बनाऊंगी सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप वो वीडियो चाहते हो तो प्लीज इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना एंड कॉमेंट करके जरूर बताना। ओके बाय।